बर्लिन में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में विदर्भ के ओजस देवतड़े नामक खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल कर भारत के साथ ही विदर्भ का नाम रोशन किया है। गुमगांव के ओजस देवतड़े ने आज इतिहास रचा है। ओजस ने बर्लिन में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष विभाग में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मेडल जीतने के बाद बुधवार को उसका नागपुर विमानतल पर भव्य स्वागत किया गया। इस समय ओजस के स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। ढोल लगाड़ों के साथ ओजस का स्वागत किया गया। इस समय सांसद प्रफुल्ल पटेल के हाथों से उसका सम्मान किया गया। हमारी टीम ने जब ओजस से बात की तो उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए पुरुष विभाग का पहला गोल्ड मेडल है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक खेलना है। आता जी वर्ल्ड चैम्पियनशिप झाली होती बर्लिन मध्ये, त्याच्यामध्ये मी इंडियाचा पहिला मेल आहे ज्यांनी गोल्ड मेडल सुवर्ण पदक भारतासाठी घेतलेला आहे। अजून असेच पदक मी इंडियासाठी घेत राहीन, हीच माझी हे आहे। आता पुढील एकदम समोर माझं एशियन गेम्स, नेक्स्ट मोठं माझं एशियन गेम्स आहे नेक्स्ट मंथमध्ये, तर त्याच्यासाठी आमची प्रॅक्टिस वगैरे सुरू आहे। त्याच्यासाठी पहिले ते फोकस करीन, त्याच्यानंतर मग 2028 आमचं ऑलिम्पिक आहे, तर त्याच्यामध्ये चांगली कामगिरी करायचं हे करतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।